वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का प्रश्न है कि वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स। ये फंक्शन में आपको मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है और इंटरवल है 3 से 5। तो ये फंक्शन है पहले, तो ये x माइनस 3, x माइनस 6 और x माइनस 1 मल्टीप्लाई में है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले तो हम इस फंक्शन को थोड़ा सा ठीक लिखेंगे। तो ये जगह x माइनस 3, x माइनस 6 और x माइनस 9, इसे थोड़ा सोल्व कर देंगे। तो पहले चलो इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 3x और ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 6 से 18। अब उसके बाद क्या होगा कि एक बार अब ये इनसे मल्टीप्लाई होगा तो पहले ये तीनों x से मल्टीप्लाई होंगे तो x की क्यूब माइनस 9x² प्लस 18x, और माइनस 9 से गुना होंगे तो माइनस 9x², 9 * 81x और माइनस 18 * 162। ठीक है, तो ये जाएगा x की क्यूब, ये वाला जुड़ जाएगा तो माइनस का, तो x की क्यूब ये हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 9 * 18x² और ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 99x और माइनस का 162। ठीक है, अब हम इस फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव अभी कर लेंगे। तो डेरिवेटिव देखेंगे आ जाएगा 3x² माइनस 6 * 36x और प्लस का 99 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम ना क्या क्या शर्तें होती हैं। कंडीशन नंबर एक हम लिख देंगे यानी कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन एक कंटिन्यूस है क्योंकि x की पावर जो 3 होता है यानी ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। तो लिख देंगे f इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 3 और 5, क्योंकि ये जो है ना क्योंकि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कुल मिलाकर ये पॉलिनोमियल फंक्शन थे। तो विच इज कंटिन्यूस, जो कि कंटिन्यूस होते हैं। अब दूसरी शर्त लगाएंगे कि तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है यानी डेरिवेटिव किया था हमने वो ये आया, तो ये जो डेरिवेटिव किया था तो ये भी एग्जिस्ट करता है इस ओपन इंटरवल 3 और 5 में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और एंड हैंस और उसके हर पॉइंट पर ये डेरिवेटिव यानी डेरिवेबल भी है, यानी डेरिवेटिव कर सकते हैं इन इस इंटरवल में। और अब तीसरी कंडीशन ले लेंगे, तो द कंडीशन अब तीसरी ले लेंगे कि अब जैसे तीसरी कंडीशन होती है ना कि एफ ए बराबर नॉट इक्वल टू एफ बी, तो एक बार फंक्शन में हम 3 वैल्यू पुट करेंगे, एक बार 5 वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू अलग अलग आएगा, बराबर नहीं आएगा। और फिर चौथी चेक करेंगे कि लेट कर लेंगे कि सी जो है वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 3 और 5 में, और सच डेट यानी ऐसे बिलोंग करता है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव करके सी पॉइंट रखने पर वो बराबर आता है फंक्शन की वैल्यू 5 और फिर घटा फंक्शन की वैल्यू 3 और बटे में 5 घटा 3। तो यानी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो बराबर होता है फंक्शन का बी माइनस फंक्शन ए और फोर में बी माइनस ए। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे रख देंगे। तो जब आप 5 की तो डेरिवेटिव आपने किया था ये वाला, तो यहाँ पे रखोगे तो जाएगा 3c² माइनस 36c और प्लस का 99। फंक्शन में आप 5 पुट करोगे तो 5 पुट करा था मैंने तो वो आएगा 8 घटा 3, पुट करने पे 0 आ जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा, इसे सोल्व करने पे 4 आ जाएगा। तो फिर इसको लिखेंगे 3c² माइनस 36c प्लस का 99 बराबर में 4 जो है इधर आएगा तो माइनस 4 बराबर 0, तो जाएगा 3c² माइनस 36c और जाएगा प्लस का, ये 4 घटने पे 95 बराबर 0 जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पे हम एक चीज़ चेक करेंगे कि x इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये ना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये चेक करेंगे। तो b की जगह जाएगा माइनस 36² माइनस 4 * 3 * 95। ठीक है, तो ये हम चेक करेंगे, तो 36 का
वो ना करेंगे ना, 6 6 36 का 6 आंसिल किया 3, 6 3 18 21, 3 6 18 8 आंसिल 1, 3 3 और 1 10। तो इसको गुना करेंगे 1140 आ जाएगा। तो ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 156। तो ये यानी एग्जिस्ट कर रहा है। अब ना इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। अब तो जब हम फार्मूला ले लेंगे x निकालने के लिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, तो हम पाएंगे कि c की वैल्यू ना 6 √13/3 में फंस जाएगी। तो इसका ये मतलब होगा कि ये इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर होने की वजह से तो मीन वैल्यू थ्योरम जो है इज़ नॉट वेरीफाइड। तो मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो नॉट वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है 6 - something, ये ना इस इंटरवल जो आपको दिया था ना 3 और 5, इस इंटरवल के बीच में बिलोंग करती ही नहीं है। तो इसीलिए मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो वेरीफाई नहीं हो पाएगी। ठीक है।